Hey, welcome back. In this video, I'm going to explain you how you can make any ramp in SketchUp without any plugin. So first you have to create your shape. Take an arc. Select karenge move control. Line. Because hame ek face chahiye. And then use a push-pull. ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे एंड देन मेक अ ग्रुप. नेक्स्ट वी नीड वन लाइन फर्स्ट एंड देन सेकंड पॉइंट, जितना अपने पास है लाइक दिस. ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज अ सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ली अगेन. टेक अ लाइन, मूव कंट्रोल लाइक दिस. पुश पुल के साथ डायरेक्टली यू हैव टू जस्ट टेक अ हाइट. सेंटर में एक लाइन लेंगे, पुश पुल. नाउ यू गेट दिस टाइप ऑफ रैम, मतलब कि एक बेसिक जो अपनी हाइट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने इसके साथ क्रिएट कर लिया. बट हमें रैम कहाँ पे चाहिए? इस शेप पर. सो ट्रिपल क्लिक, राइट साइड क्लिक एंड देन मेक अ ग्रुप. सिलेक्ट करेंगे इस ग्रुप को, मूव करेंगे सेंटर पॉइंट के साथ, यहाँ पे रख दिया. नाउ यू कैन सी हियर, अपना जो नीचे बेसिक शेप है जो अभी हमने ली वो लिटिल बिट छोटी है. नाउ यू कैन सी है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके पहले उसे थोड़ा बड़ा करेंगे. नाउ मूव इट लाइक दिस. बी श्योर कि जो अपना रैंप का जो डिज़ाइन है, जो भी बेसिक शेप है, वो उसके नीचे आनी चाहिए प्रॉपरली. नीचे वाला आपका बड़ा हो जाए नो इशू, बट ऊपर वाला आपका छोटा नहीं होना चाहिए. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर रैम जो अभी हमने बनाया, क्लिक ऑन द इंटरसेक्ट एंड देन सिलेक्ट योर शेप, जो आपको शेप चाहिए. नाउ यू कैन सी, पहले जो हमने रैम बनाया एक बॉक्स के साथ वो सिलेक्ट करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंटरसेक्ट, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन योर बेसिक शेप. होप सो इट्स क्लियर. इन दिस केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.